exactly getting that. So जो दिल्ली style पराठे बनते, पराठे वाली गली से जो पराठे बनते हैं, वही पराठे होते हैं, prepared in the same way, served with the same sides. इसमें दाल होते हैं, छोले होते हैं, रायते होते हैं, and that is how it is served. तो proper Delhi का authentic पराठा जो होता है, वो यहाँ पे recreate होता है. Okay, how challenging it was for you? You know, only paratha. जब हम पराठे की बात करें, तो सिर्फ पराठे सर्व कर रहे हैं, और भी अलग-अलग तरह के चावल सर्व कर रहे हैं. Correct, correct, correct. No, this is very exciting actually when you have all the ingredients that you want. आप एक पराठे के मिक्सचर में डाल के उसे जब सर्व करते हैं, so this becomes a very exciting and an interesting thing because आप जब हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं, so you can actually mix and match whatever you like, जो आपको पसंद है ingredients and make your own parathas. As many as 5 different types of ingredients can be put in one single paratha to create a very unique taste in every paratha. Sir, parathe की बात करें तो जैसे paratha, parathe का नाम कान में आता है तो समान से पानी टपकने लगता है. Right. और ये only paratha, क्या special only paratha base करने वाला है? सो पराठे का जो टेस्ट होता है, एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्पेशल पराठे जो होते हैं हमारे एक शेफ स्पेशल पराठे होते हैं, वेर आर सिलेक्टेड नंबर ऑफ पराठा जो हर तरीके से टेस्ट किए हुए हैं, आर प्रेजेंटेड इन द मेन्यू आप लोगों के लिए. सबसे स्पेसिफिकली इफ़ यू हैविंग चीज़ गार्लिक पराठा, जो आज की जनरेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, वेर यू हैव अ लॉट ऑफ चीज़ गार्लिक एंड उसके साथ इसको पूरा प्रेजेंट किया जाता है. मैडम आपसे जानना चाहेंगे कैसा फील करना है ओनली पराठा, बहुत पराठा जी. हाँ, अभी हम चखने वाले हैं, शायद हमने अभी चखा नहीं है, लेकिन उम्मीदें हैं बहुत, इसलिए भी हैं कि हम काफ़ी ढूंढते रहते हैं, हमको नहीं मिल पाते अच्छी तरह से खाने के लिए. लेकिन पराठा जो इन्होंने सोचा, बहुत अच्छा सोचा है. इसका एक कारण ये भी है, जैसे कि आपने हमसे पहले सुनी ये बात कि ये हमारे देश की संस्कृति का एक हिस्सा है, और हम अपने नानी दादी के हाथों का पराठा वाकई हम मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं. और इस वक्त क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि उसमें इस वक्त पूरी कंट्री जुड़ी हुई है, आप कह लीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पराठे के बारे में सबको मालूम है. और ये खासकर मैंने पाया कि जब कभी हमारा दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता था, तो रास्ते में जो ढाबे आते हैं वहाँ वो जो पराठा, जो उनका साइज़ और प्लेट में जब वो घी और मक्खन डालते हैं, तो इतना ज़्यादा वो इतनी क्वांटिटी होती कि एक इंसान अच्छी तरह खा भी ना पाए, मतलब खा ना पाए, तो इतना ज़्यादा होता है वो क्वांटिटी. तो उससे जो हमारे देश के जो लोग हैं, उनके दिल का और उनका जो अंदाज़ है, हमारे पूरे देश की संस्कृति इस पराठे के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है, और ये पूरी कंट्री को जोड़ रहा है. आज ठीक है कि लोगों को जैसे ये बता रहे थे अभी की चीज़ और ये सब चीज़ें चाह रहे हैं, नेचुरली ये कुछ समय की चीज़ होती है कि समय के साथ साथ बदलाव भी आता है. लेकिन आज भी आप आलू पराठा और गोभी पराठा, मेथी पराठा, मूली का पराठा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कभी ये स्टेल नहीं होंगी, और लोग आने वाली जनरेशन्स इसको पसंद करेंगी. और ये इन्होंने इतना अच्छा सोचा, क्योंकि मुझे बम्बई में जो टेस्ट मुझे चाहिए वो मिलता नहीं है, माफ़ कीजिएगा. और हवा पानी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो गंगा जमुना का मैदान नॉर्थ इंडिया में आता है, या पंजाब में 5-5 नदियाँ वहाँ बड़ी बड़ी हैं, तो वो जो पानी और हवा है उसका एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है. लेकिन यहाँ पर भी अगर कोशिश की जाएगी तो ये हमें बहुत अच्छा टेस्ट हमें पराठे का दे सकेंगे, और लोगों को जोड़ेंगे, सबसे बड़ी बात ये है. क्योंकि आप कुछ भी करिए, उसमें जो घी चाहिए होता, प्योर घी चाहिए होता, इंग्रेडिएंट्स यानी जो गेहूं की क्वालिटी है, जो बेस है उसका, वो भी बहुत बढ़िया चाहिए. बल्कि मैं तो इनसे चाहूँगी कि बाजरा और मक्का, इसका भी थोड़ा सा अगर ये उसमें मिक्सचर करेंगे और उसमें ये गोभी या पराठे बनाएंगे, तो वो उसका भी टेस्ट कुछ अलग ही होगा. बहुत सा एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है. और आपको एक बात बता दूँ, जो चीज़ टेस्ट में अच्छी होती है और जहाँ पर जो ज़बान है वो आप देखिए ना, पूरी दुनिया में एक है. जो जो हमारे जो पहली बात तो अपने आप को हम देखें कि आखिर हम पराठों के पीछे क्यों जा रहे हैं, ये भी तो एक बात है ना, कि आज हम एक ऐसी जगह, ऐसा रेस्टोरेंट खोला गया है जो सिर्फ ओनली पराठा कहला रहा है.
इसका मतलब क्या हुआ, जो जो हमारा टेस्ट है जो ज़बान के थ्रू, ये हर एक को चाहिए। और ये जो पराठा, ये एक फुल मील है अपने में। अगर आप ऑथेंटिक पराठा लेंगे तो आपको दही, बढ़िया दही और पराठा चाहिए, तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये अपने में कंप्लीट मील है। और जो नई जनरेशन है उसको आप अपनी जनरेशन से जोड़ भी रहे हैं, आगे तो आ ही रहे हैं, और हेल्थी फूड है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, प्रोवाइडेड आप इसको अच्छी तरीके से, कोई भी चीज़ आप ज़्यादा खाएंगे नुकसान होगा, प्रोपोर्शन में खाएंगे वही चीज़ आपके लिए बहुत हेल्थी। और आप देखें पंजाब में, क्योंकि ये जहाँ से चला और दिल्ली की जो बात कर रहे हैं, जो दिल्ली में लोग आए, तो वो ज़्यादातर उन्होंने वही चीज़ें ली हैं, इंग्रेडिएंट्स भी वही, और वही ओनली पराठा का मतलब है कि वो इंग्रेडिएंट्स मिलने ही चाहिए। एक्सपेरिमेंट भले ही करें, लेकिन जो ऑथेंटिक ऑलरेडी जिसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ बढ़िया पराठा खिलाते जाएंगे और इंग्रेडिएंट्स प्योर रखेंगे, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमेशा की चलने वाली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोसेस्ड फूड जो है ना, आप पिज्ज़ा की बातें कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स को रखने के लिए, लाइव रखने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, आपके सिस्टम में क्या, कहाँ आप डाल रहे हैं, जो अंदर जो हमारे जो शरीर में जो कुदरत की चीज़ें उसके साथ मिक्स होती हैं, तो वो मिक्स होने के बाद ठीक से डाइजेस्ट होके पर्पज़ क्या है आप खा रहे हैं, सिर्फ टेस्ट है ऐसा नहीं है, आपके शरीर को भी तो ताकत चाहिए, वो ताकत कैसे मिलेगी, उसमें आप घी डाल रहे हैं, अगर आलू पराठा तो उसमें पटेटोज हैं, पटेटो क्या चीज़ है, रूट है, रूट का क्या मतलब है, मिनरल्स हैं, तो आप अपने शरीर को क्या ख़राब करना चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि अच्छे से अच्छा उसका समय निकले, बीमारी ना हो। तो जो यूथ को है आप एक्चुअली एडुकेट भी कर रहे हैं, चीज़ ये है कि खूबसूरत यानी टेस्ट पूरी दुनिया में ज़बान तो एक ही है, टेस्ट में भी कुछ। आप क्या कहना चाहेंगे, बहुत कम समय में, बहुत यंग एज में इन्होंने ओनली पराठा शुरू कर दिया है, क्या शुभकामनाएं होंगी यंग। और एक चीज़ मैं इसमें माफ कीजिएगा, मैं कहना चाहूँगी कि ये अपने में, मैंने पहले भी कहा है, कंप्लीट फूड और बैलेंस्ड फूड, आप पाएंगे कि इसमें हर चीज़ मिल रही है, कोई और दूसरा कुछ लेने की जरूरत नहीं। जी माता जी, क्या शुभकामनाएं जी। मैं एक चीज़ बताऊँगी, हम लोग जो इंटरनेशनल सोसाइटी को कृष्ण कॉन्शियसनेस से आते हैं, हमारे बहुत सारे गेस्ट इंटरनेशनल से आते हैं, तो शुरुआत में मेरे को पता नहीं था ये जस्ट ओनली पराठा के बारे में, क्योंकि जब वो आते थे गेस्ट साहब में तो बताते थे कि आज हमने इतनी अच्छी जगह पे पराठे खाए हैं, और कहते हम लोग ज़्यादा लोग सब लिंकिंग रोड पे जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पे भी इनका एक जॉइंट है, तो वहाँ से उन्होंने खाए, बताया कि करीब से करीब 200-250 वैरायटी है, तो मैं भी आश्चर्य हो गई, इतनी वैरायटी पराठा मैंने भी देखी नहीं है और ना इतनी खाई है। तो मेरे को लगता है बहुत जस्टिस होगा कि ये शुरुआत कर रहे इस वैन की यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ईटिंग प्लेसेस मैंने देखी जब हम यहाँ पे आ रहे थे, तो दिस विल बी इन ग्रेट डिमांड एंड आई थिंक इट्स वेरी ऑस्पिशियस। वी आर ब्लेसिंग अर्जुन दैट इज सच अ यंग एज ही इज वेंचरिंग इन टू अ वेरी पॉजिटिव प्लेस। थैंक यू सो मच हरे कृष्ण। और आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी जो मेरे साथ यहाँ पे आज इनॉग्रेशन में मुझे साथ में सपोर्ट किया है, मेरे ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पे आए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी एंड आई होप आप सब यहाँ पे अपना हमारा फूड एंजॉय करते हैं आज, हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं फूड एंड एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, एंड आई होप दिस वेंचर इज अ सक्सेस इन दिस एरिया एंड पीपल ऑफ दिस एरिया गेट टू फील द फूड ऑफ दिल्ली। वी विश यू ऑल द सक्सेस। The thing is, पराठे ने अपनी ऑलरेडी जगह बनाई हुई है, इट डज नॉट नीड टू क्रिएट अनदर स्पेस। आज जो टेस्ट ऑफ पराठे और जो ऑथेंटिक टेस्ट इंडिया का होता है, अल्टीमेटली हर यूथ, हर इंडिया का जो बच्चा है उसको इंडियन टेस्ट चाहिए होता है, एंड दिस इज समथिंग दैट ब्रिंग्स टू इट। इसके साथ साथ हमारा जो दिल्ली चाट है, जो चाट हम लोग यहाँ पे लाते हैं दिल्ली स्ट्रीट से, वो भी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। लाइव चाट सर्व की जा रही है, विच इज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी।